हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, DU एडमिशन से रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया है, जिसमें साफ ये बता दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कोरोना वायरस और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो यूनिवर्सिटी है वो बंद हुई है 14 अप्रैल तक। इवन पूरे देश में लॉकडाउन है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो एडमिशन प्रोसीजर है वो डिले हो गया है। एक बार नोटिस मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी के जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर प्रेस रिलीज वाले सेक्शन में जाओगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन होल्ड फॉर एडमिशन 2020, इसका लिंक मिलेगा आपको और यहाँ पे आपको जो प्रेस रिलीज है वो मिल जाएगी। देखिए, प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 14 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी बंद है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो यूनिवर्सिटी है 14 अप्रैल तक बंद है। इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है फॉर एडमिशन टू द सेशन 2020-21 ऑफ UG, PG, MPhil, PhD ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज ऑन होल्ड। यानी कि जो हमारा लॉकडाउन हुआ हुआ है कंट्री में, इसी को ध्यान में रखते हुए जो एडमिशन प्रोसीजर है उसको यहाँ पे होल्ड में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो नोटिस आपको मिल रहा है इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और फर्दर जो नोटिस होगा वो ऑब्वियसली जैसे ही कंडीशन ठीक होगी नोटिस, उसी के अकॉर्डिंग आपको 14 अप्रैल के बाद नया नोटिस देखने को मिलेगा कि कब आपके एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हम भी आपको प्रॉपर अपडेट दे देंगे और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी आप रेगुलरली चेक करते रहिए। थैंक यू।